Myself, M.K. Vijay, assistant engineer, retired, at transformer repairing workshop. अभी अपन पावर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन डिवाइस हो रहा है जिसको बोलते हैं अपन PRD या PRD, प्रेशर रिलीफ डिवाइस या प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी कह सकते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन अपने घर के किचन में जो प्रेशर कुकर होता है उसी तरीके से ही होता है। जैसे ही एक्सेस प्रेशर बनेगा तो वो ऑपरेट होता है, और फिर जैसे ही प्रेशर नॉर्मलाइज होता है वो रिसेट हो जाता है, लेकिन तब तक ये इलेक्ट्रिकल कमांड दे चुका होता है। तो इंटरनली कभी भी कोई सीवर फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है, टर्न टू टर्न फॉल्ट हुआ है, या कोई और इलेक्ट्रिकल इस तरीके का कोई फॉल्ट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो गया, या कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब अपन कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो मेन टैंक और बुकोल्स लाइन है, वो आपका कंजनरेटर टैंक है, उसके बीच में अगर कोई बुकोल्स में या किसी पे काम किया है हमने और कोई वाल्व को बंद कर दिया और हमने खोलना भूल गया, अब इसके बीच में ट्रांसफार्मर पे आपका लोड आ गया, लोड आने के बाद में जब आपका ऑयल का लेवल बढ़ना शुरू हुआ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी तब आपको PRV ऑपरेट होगा। तो ये एक ह्यूमन मिस्टेक है, लेकिन एक्चुअली ये एक सीवर फॉल्ट कंडीशन में ही क्रिएट होता है PRD, और ये ट्रांसफार्मर के ऊपर टॉप प्लेट के ऊपर एक्चुअली इसको प्लांट किया जाता है जहाँ ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, या बहुत से ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो वर्टिकल वॉल के साथ में एन शेप का एक ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर भी माउंट करके PRD को लगा दें। जनरली PRD आपकी 0.49 या 0.56 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होती है, और ये एक तरीके से मैकेनिकल रिले है। बड़े ट्रांसफार्मर्स के अंदर ये दो PRD लगाई जाती है जो भी डायगोनली, तो जैसे ही इंटरनल कोई प्रेशर इसमें डेवलप रहता है तो आप देखिए यहाँ पे एक स्टील का डायफ्राम लगा हुआ है जिसके ऊपर स्प्रिंग का प्रेशर है, तो जैसे ही आपका एक्सिट प्रेशर जो ऑपरेटिंग प्रेशर है उससे जैसे ही प्रेशर आपका एक्सिट करेगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा जस्ट लाइक प्रेशर कुकर की तरीके से। तो एक्सेस ऑयल है वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन तब तक ये एक इसके लीवर के साथ में एक ये लीवर है, आप देख रहे हैं इसको, ये इस तरीके का लीवर हुआ और ये इस तरीके का ये फ्लैग डाउन है, ये फ्लैग ऑपरेट होके ये वर्टिकल आपको दूर से भी दिख जाएगा, ट्रांसफार्मर के नजदीक आएंगे तो पता लगेगा फ्लैग वर्टिकल कंडीशन में आ गया है, इसका मतलब PRD ऑपरेट हुई है। PRD ओरिजिनली ऑपरेटेड हुई है, PRD वैसे भी ऑपरेट हो सकती है, कैसे, जैसे बारिश के दिनों में मैंने आपको बताया कि ये लिमिट स्विच है जिसके अंदर दो वायर लगे हुए हैं, सीधा अपन ट्रिपिंग कमांड लेते हैं, इस पर अलार्म नहीं लेते क्योंकि ये सीवर फॉल्ट का प्रोटेक्शन है, तो बारिश के दिनों में इसके अंदर अगर पानी चले गया तो शॉर्ट सर्किट होकर भी ऑपरेट होगा, लेकिन उस समय फ्लैग ऑपरेट नहीं होगा आपका क्योंकि एक्चुअली PRD ऑपरेट नहीं होगा, आउटर पार्ट पे आपका फॉल्ट है, या तो यहाँ जो माइक जो आपका लिमिट स्विच है ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, या MK के अंदर या MK के अंदर वायरिंग आई हुई है वहाँ कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसकी वजह से रिले ऑपरेट हो, इस रिले को भी रिसेट करने के लिए आपका ऑयल तो रेस्टोर हो गया लेकिन इस रिले को रिसेट करने के लिए भी आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर ही आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इसने कमांड दिया तो इसकी एक्चुअली रिले ऑपरेट हुई आपके पैनल पे, एक्चुअली रिले ने वापस से मास्टर ट्रिप रिले को ऑपरेट किया और मास्टर ट्रिप रिले ने एक्चुअली ब्रेकर को ट्रिप किया, और ब्रेकर जब HV का ब्रेकर ट्रिप होगा तो इंटर ट्रिपिंग से आपका LV का ब्रेकर भी ट्रिप हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर आपका दोनों साइड से एक्चुअलेट हो गया। अब इस केस के अंदर आप प्रॉपर तरीके से अर्थिंग वगैरह करके ट्रांसफार्मर के ऊपर जाइए और फिर आप इसको एग्जामिन, अगर इसके अंदर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है ये रिपेयर नहीं की जाती है, सिर्फ रिप्लेस ही की जाती है, ये बशर्त है कि अगर इसका कोई लिमिट स्विच कभी ख़राब होता है तो अगर वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी इस रिले को रिप्लेस ही किया जाता है, रिपेयर नहीं किया जाता, तभी ये ऑपरेट हो रही है और इंटरनल फॉल्ट रहा तभी OSR ऑपरेट हो रही है, वो OSR सिर्फ वोल्टेज का प्रोटेक्शन है, ये मेन टैंक का प्रोटेक्शन है, ये मेन टैंक का प्रोटेक्शन है, वो सिर्फ वोल्टेज का प्रोटेक्शन है, नहीं बुकोल्स भी रिले भी ऑपरेट होगी डेफिनेटली, आपकी डिफरेंशियल रिले भी ऑपरेट हो सकती है। देखिए जब सडनली कोई सर्ज बना ऑयल का
तो उससे रिलेटेड सभी जगह सारा सिस्टम, क्योंकि एक्चुअली आपका सिस्टम तो वहीं से कनेक्टेड है ना, मेन टैंक से आपका जो मेन कंजर्वेटर टैंक है उसके ऊपर बुकोल्स रिले लगी हुई है तो वो भी कनेक्टेड ही है, तो सर्ज बनेगा तो ये इसको ऑपरेट करेगा, वो सर्ज उधर भी जाएगा तो वो उसको भी ऑपरेट कर देगा, क्योंकि गैसेज भी बन सकती है आपकी, क्योंकि फॉल्ट हुआ तो डेफिनेटली गैसेज भी बनी हो। तो ये सीवर फॉल्ट किस तरीका है, या तो टर्न टू टर्न फॉल्ट हुआ हो, या इंटर टर्न फॉल्ट हुआ है, या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ही पीआरडी ऑपरेट होती है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ पावर टाउन। सर मैनुअली कैसे ऑपरेट करना था? मैनुअली ऑपरेट कराने के लिए बीच में आपने देखा है कि एक लीवर है, ये एक लीवर है, ये आपको ये रिसेट कर दिया आपने, रिसेट हो गया आपका। रिसेट होने के बाद में ये लीवर को आप जैसे ही खींचेंगे, ये इस तरीके से आपका यहाँ एक रेड कलर का एक बॉल होता है जो दूर से आपको इंडिकेट हो जाता है, वो बॉल अभी इस पे नहीं है लेकिन वो रेड कलर का बॉल होता है, वो वर्टिकल आपको दूर से दिख जाएगा, इसको आप रेड फ्लैग कहते हैं, इंडिकेट द डेंजरस इंडिकेशन ऑफ पावर टाउन। तो ये कंडीशन में आपको इसको रिसेट अगर करते भी हैं तो पावर ट्रांसफार्मर को रिचार्ज नहीं करना है। RVPNL के ये नॉर्म्स हैं कि आपको अपने इमीडिएट बॉस को बताना है, उसके बाद फिर प्रोटेक्शन विंग को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद ही इसके ऊपर कोई डिसीजन होगा। आप अपने लेवल पे इसको रिसेट करके पावर ट्रांसफार्मर को दोबारा चार्ज नहीं करें, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये फ्लैग डाउन रहेगा ना हमेशा ही, बहुत ट्रिपिंग है इस तरह का। अगर केबल शॉर्ट हो गई आपकी, MK के ऊपर कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो गया तो वहाँ से भी कमांड तो चलेगा ना, इलेक्ट्रिकल कमांड तो शॉर्ट सर्किट से भी जा सकता है। अलार्म आएगा, फ्लैग नहीं होगा। अलार्म क्यों आएगा? इसमें अलार्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ट्रिपिंग का ही कॉन्सेप्ट है। दो ही वायर कनेक्टेड होते हैं, बस दो वायर ही कनेक्ट होते हैं, DC आती है और DC जाती है। फॉल्स से यार्ड में देखेंगे ना आप, यार्ड में तो आना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर तो ट्रिप ही हो गया ना दोनों केस में। भाई एक्चुअल अगर फॉल्ट हुआ तो भी ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो गया, फॉल्स हुआ तो भी ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो गया। अब जब वो यार्ड में आएंगे तो देखेंगे अब तो ये फ्लैग का ऑपरेट ही नहीं हुआ है, और ट्रांसफॉर्मर के चारों तरफ कहीं ऑयल भी नहीं है, ड्राई पड़ा हुआ है। भाई ये एक्चुअल ऑपरेट होगी तो आपका एक्सेस प्रेशर वाला ऑयल है वो भी तो चारों तरफ एक्सपोज होगा ना। ये ऑपरेट नहीं हुआ है तो मतलब पीआरडी तो ऑपरेट नहीं हुई और किसी वजह से फॉल्ट हुआ है ट्रांसफॉर्मर? नहीं नहीं, और वजह तो बहुत सारी हो सकती है, फॉल्ट ऑपरेशन भी तो अपने आप में एक वो भी इंडिकेट करता है ना, भाई ट्रांसफॉर्मर ठीक तो हो ही गया ना फिर भी। लेकिन वो पीआरडी की वजह से थोड़ी हुआ है, क्योंकि अगर पीआरडी की केबिल शॉर्ट हुई है तो पीआरडी का इंडिकेशन आएगा ना पैनल पे। तो भाई पीआरडी की केबिल अगर शॉर्ट हुई, यहाँ से जो केबिल जा रही है आपके पंडोल पैनल पे, वो अगर शॉर्ट हुई तो पीआरडी का इंडिकेशन आएगा, दूसरी रिले का इंडिकेशन तो आएगा ही नहीं। लेकिन जब आप यार्ड में जाते हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर चढ़ के देखते हैं, तब देखते हैं कि पीआरडी के चारों तरफ ऑयल ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मर तो पूरा ड्राई पड़ा हुआ है और फ्लैग भी मेरा ऑपरेट नहीं हुआ, इसका मतलब तो आपका पीआरडी एक्चुअल तो ऑपरेट हुआ ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हुआ जिसकी वजह से मेरे पास इंडिकेशन चले गया। जब ऑयल इसका बाहर फेंकता है मतलब खराब जाती है क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली प्रेशर कुकर का वॉल ही तो है, भाई स्टीम भी तो भारी आती है आपकी प्रेशर कुकर में, स्टीम बाहर आती है ना, ऐसे ऑयल एक्सेस प्रेशर का जितना भी ऑयल है वो उतना ऑयल बाहर जब चले जाएगा वापस से ये रिसेट हो जाएगा। भाई स्प्रिंग लोडेड ही वॉल है ना ये, तो ये इसके चारों तरफ कर्व बन जाता है, ये जो है ना आपका ये मेटल डायफॉर्म है, ये आपका ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं आपका, ये मेटल डायफॉर्म है। डायफॉर्म होने के बाद में एक्चुअली क्या है, इसका एक ऐसे कर्व बन जाएगा, ऐसा कर्व बन जाएगा, और ऐसा कर्व बनने के बाद में आपका ऑयल जो है वो आप ऐसे ऐसे निकल जाएगा, और ये फिर उसके बाद में सीधा रिसेट हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि विसल थोड़ा सा ऊपर जाके टेढ़ी हो जाती है और स्टीम निकल जाती है, फिर रिसेट हो जाती है आपकी, तो जस्ट लाइक प्रेशर वॉल। और कोई क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, डायफॉर्म ही तो नहीं फटेगा, एक्चुअली एक्सेस प्रेशर हुआ ना, एक्सेस प्रेशर होने के बाद में स्प्रिंग आपकी ऊपर हो गई और इसमें कर्व बन गया, कर्व होने के साइड से ऑयल निकल गया, उसके बाद रिसेट हो गया। भाई प्रेशर कुकर के अंदर 50 भी स्टीम आ जाती है, 50 बार भी विसिल बजती है, तो प्रेशर कुकर खराब होता है क्या? कभी नहीं होता है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि
इसका फंक्शन जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का जो वॉल है उसी तरीके से ही ये फंक्शन करती है आपकी पीआरडी। प्रेशर रिलीफ वॉल, प्रेशर का रिलीफ देने के बाद में ये वॉल अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है। एक्सप्लोजन वेंट है तो उसके अंदर तो एक्चुअली क्या है, डायफ्राम होता था, एक्चुअली माइका का डायफ्राम होता था तो वो फट जाता था, वो एक अलग चीज है। तो एक्सप्लोजन वेंट वाला तो जमाने गुजर गया, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, पीआरडी में एक्चुअली क्या है, मैकेनिकल मिले तो मैकेनिकली तो कभी कुछ खराब हो भी सकती है, डायफ्राम भी फट सकता है इसका, कभी डैमेज हो जाए, डायफ्राम मर जाए, ये तो ये क्या है कि मैकेनिकल रिले है, कभी कोई इतनी तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कंपनी तो कहती है कि हर 5 या 10 साल के अंदर पीआरडी को आपको रिप्लेस ही करना चाहिए, तो जबकि वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। काफ़ी जगह सुनते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ब्रंट हो गया। हाँ, जब पीआरडी ऑपरेट नहीं होती, जो अभी जैसे सर्ज ऑपरेट हुआ नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ही जोड़ रखा है आपने। आपने देखा होगा कि भूगोल से आपके मेन टैंक और कंजर्वेटर, जो मेन कंजर्वेटर है उसके बीच में एक NRV लगा हुआ होता है, जो एक्चुअली क्या है कि अपना नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसी का एक पार्ट है NRV। तो वो क्या करता है कि जैसे ही कहीं कोई एक्सप्लोजन हुआ तो वो NRV ऑपरेट हो जाता है, कंजर्वेटर टैंक का ऑयल तो वहीं की में रुक जाता है, ठीक है, और आपके नीचे के वॉल्व से आपका ऑयल है वो ड्रेनेज में चले जाता है, ऊपर वाला जो पाइप है उससे नाइट्रोजन गैस है, वो नाइट्रोजन गैस उसको तो सील कर देती है। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी बर्निंग जो है वो बढ़ेगी भाई, ऑक्सीजन के बगैर तो आपकी आग बढ़ेगी नहीं ना। अब ऑक्सीजन की जगह वो नाइट्रोजन की लेयर आ गई पूरी की पूरी, ये नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेरीज हों, आपके कोई क्वेश्चंस हों जिसपे आपको कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप उस में से मेरे अपने मोबाइल नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9829483355। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच।